नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। हमेशा यदि सकारात्मक सोच है, विषम परिस्थितियों में भी, जैसे आपने कहा कि चुनौती भरे समय में भी हम कैसे सफल हो सकते हैं, कैसी क्षमताओं को और विकास कर सकते हैं। अभी कोविड के समय आपने देखा कि यदि रोते रहते लोग, क्या करें, कोविड आ गए, घर के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने नौ नवयुवकों को कहा, क्या कर सकते हैं चुनौती का मुकाबला, आपने किस तरीके से इस चुनौती का मुकाबला किया, आप सोच सकते हैं। कभी इस पर जरूर कोई लिखेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं, 1,10,00,000 से अधिक अध्यापक हैं। कई देशों की तो कुल जनसंख्या उतनी नहीं है जितने की केवल मेरे अध्यापक गण की जनसंख्या है, इतनी संख्या है। और यदि छात्र छात्रों को देखेंगे तो अमेरिका को भी मात करते हैं हम। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ भी शायद हुई होगी, हाँ साढ़े हम 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्र हैं। ये इसका विषय कोई सोच सकता था अचानक कोविड की ये महामारी आ जाएगी, देश को और बच्चों को, शिक्षा को, पूरी दुनिया को इस संकट से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने उस संकट का मुकाबला किया, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ, ये रातों रात ऑनलाइन एजुकेशन कोई सोच नहीं सकता था। यदि ये ऑनलाइन एजुकेशन आप नहीं देते तो अभिभावक की क्या स्थिति होती, और वो बच्चा कितने अवसाद में जाता। बच्चा 4 घंटा नहीं रह सकता एक जगह, 4 दिन नहीं रह सकता, 4 सप्ताह रहने का तो कल्पना ही नहीं कर सकता, और 4 महीने तो उसके लिए क्या दशा हो जाती आप सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसे मौके पर उस चुनौती का मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने इसको देखा, दुनिया के देशों ने अपने स्कूल बंद कर दिए, 1 साल पीछे कर दिया। ये देश हिंदुस्तान है जिसने अपने बच्चों का 1 वर्ष भी खराब नहीं होने दिया। हमने उस चुनौती का मुकाबला किया, हमने समय पर परीक्षाएं की, और बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया, और हमारे छात्रों ने और आपने, अध्यापक और अभिभावक ने दोनों मिलकर के इस छात्र, इस शिक्षा विभाग के सब अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। रात रात दिन दिन एक करके और खप करके ऐसी विषम परिस्थितियों का मुकाबला किया। तो आप उन मैं तो जब ये चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कि कोरोना का ये जो शिक्षा विभाग के, इनसे बड़ा योद्धा कौन हो सकता है, विषम और विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर के अपने बच्चों को भी बचाए, अभिभावकों की मन स्थिति बचाए, अवसाद में जाने से रोका, नहीं तो क्या परिस्थिति पैदा हो जाती, कितने लोग अवसाद के शिकार हो गए होते। और इधर मेरे IITs के बच्चों ने अपने विश्वविद्यालय और NIT, IIT, IIM के बच्चों ने अपनी प्रयोगशालाओं में एक से एक नए आविष्कार किए, मास्क बनाए, ड्रोन बनाए, टेस्टिंग किट जो हमारे देश में, हमने अब बाहर भी टेस्टिंग किट को भेजा, वो 3 दिन में एक रिपोर्ट आती थी, यहाँ 3 घंटे में रिपोर्ट आई, और बहुत महत्वपूर्ण वेंटिलेटर, टिकाऊ, सस्ते और सुदृढ़ वेंटिलेटर जैसे जो हमारे देश में अभी तक था ही नहीं, उसको भी हमने निर्माण किया। बहुत बड़ी ताकत है इस देश के अंदर, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो अध्यापक है, ये नई शिक्षा नीति जिसको मैं कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे वोकेशनल स्ट्रीम के साथ शिक्षा, शिक्षण, शिक्षणेतर गतिविधियां, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्लस वोकेशनल, इन तीनों के बीच की खाई को हमने टोटली खत्म किया। और ये जो बच्चा है आपका, ये 360 डिग्री होलिस्टिक इसका मूल्यांकन करेंगे, अपना मूल्यांकन करेगा, आप भी मूल्यांकन करेंगे, अभिभावक भी करेगा, उसका साथी भी करेगा, एक योद्धा के रूप में खड़ा होगा। और आप उसको ये रिपोर्ट कार्ड नहीं देना चाहते, उसके प्रोग्रेस कार्ड देंगे, वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है, वो किस दिशा में बढ़ रहा है, वो उसका मूल्यांकन करेंगे। और उच्च शिक्षा में तो बिल्कुल पूरा मैदान वहां भी खाली किया हुआ है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये वक्त है जब आपके हिस्से भी हमने नई शिक्षा नीति में इस चीज को जोड़ा है, अब समय आ गया। ये जो नई शिक्षा नीति है ये सामान्य नहीं है, ये नेशनल भी है, इसमें राष्ट्रीयता है, इंटरनेशनल भी है, अंतर्राष्ट्रीयकरण भी इसका है, इनोवेटिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है, और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है, समानता की आधारशिला पर है। ये सामान्य नहीं, ये शिक्षा नीति, ये हर क्षेत्र में
चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, संस्कार हो, जीवन मूल्य हो, ये जीवन मूल्यों को भी खड़ा करती है। एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देश को एक अच्छा नागरिक चाहिए और अच्छे नागरिक के साथ साथ विश्व का मानव चाहिए, लीडरशिप हो उसमें, उसका विजन उतना ही बड़ा हो। कहाँ से वो लीडरशिप पैदा होगी? यही से तो होगी जब हम उसके अंदर मन विचार डालेंगे। क्या विचार डालें, वो कोरा पन्ना है। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक सामान्य शिक्षक से लेकर के शिक्षा मंत्री की इस रास्ते तक को मैंने तय किया। मैं जानता हूँ शिक्षक की कितनी बड़ी ताकत होती है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा यदि नरेंद्र मोदी जी कहेंगे उसको, उस पर से ज्यादा भरोसा उस शिक्षक पर करता है, क्योंकि शिक्षक छात्र शिक्षा मंत्री भी बोलेंगे तो उनसे ज्यादा भरोसा उसके शिक्षक ने क्या क्या कहा उस पर ज्यादा वो असर पड़ता है। का मतलब शिक्षक कितना बड़ा आधार है, इन दोनों चीजों के बीच की धुरी है। हमने नई शिक्षा नीति को तो बना दिया, नीतियां तो बहुत अच्छी हमेशा बनती है, ये तो खूबसूरत बनी ही बनी है, ये तो दुनिया के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। लेकिन नीतियां निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन, जमीन पर क्रियान्वयन के बीच की जो धुरी है वो आप लोग हैं, आपकी लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो जो सेतु का काम करते हैं नीचे तक का। ये चुनौती भी है, ये अवसर भी है। आपने कहा है ये चुनौती है, हाँ चुनौती भी है लेकिन अवसर। चुनौती तो वही, विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जितना बड़ा संकट होता है, जितनी बड़ी चुनौती होती है, उतनी बड़ी सफलता मिलती है। तो जब चुनौती बड़ी होगी तो बड़ी ही तो सफलता है। छोटी छोटी चीजों में क्या चुनौती आनी है? और छोटी छोटी चीजों में ही चुनौती की बात होने लग गई तो आदमी जाएगा कहाँ, बढ़ेगा तो थका हुआ पिटा हुआ आदमी होगा। वो जो छात्र के मन में जिजीविषा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जिसको कुछ कर गुजरने की अभीप्सा नहीं है, छटपटाट नहीं है, वो कहाँ से आगे मैदान को मार सकता है? और इसलिए स्पीड के निर्माण में उसको एक एक क्षण एक एक कर्ण उसके रगों में उस चीज को कैसे करके उसके मन में उसके तन में किस तरीके से उन भाव और भावनाओं को हम समावेश कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। जब अभी से उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे तो ये जो दुनिया की जो कभी आतंकवाद की बात होती है, जिस दिन हमने कह दिया हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, जिस दिन हमने कह दिया हम तो सब कुछ साथ मिलकर के करेंगे, सब कुछ हम बांट करके खाएंगे, जो मेरा है उस पर सबका अधिकार है, जो सबका है उस पर सबका अधिकार है, जो तेरा है उस पर मेरा भी अधिकार, जो मेरा है उस पर तेरा भी अधिकार है, सबका अधिकार है, उस दिन दुनिया की सारी समस्याएं समाधान होंगी, सब लोग मिल करके पुरुषार्थ करेंगे। इस बच्चे को यहीं से ये शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि वो कोरा पन्ना है। उस कोरे पन्ने पर जो आप लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं पहली बात तो ये, फिर किस ढंग से लिखना चाहते हैं और कब लिखना चाहते हैं, वो लिखावट वाली है कि नहीं है, वो उसकी चमक है कि नहीं है, और वो दूर तक दिखता है कि नहीं, एक एक शब्द की आकर्षकता और शब्द के अंदर की जो शक्ति है वो उदित हो रही है कि नहीं हो रही, ये बहुत जरूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सीबीएसई बोर्ड आज इस देश में नहीं पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा बोर्ड है। अभी पीछे के समय में ओमान के साथ जुड़ा था, मनोज भी थे और इतनी तारीफ कर रहे थे। अभी कई देशों के शिक्षा मंत्री जहां जहां लगभग 27-28 देशों में आपके सीबीएसई बोर्ड के पूरी दुनिया में स्कूल हैं, हजारों लाखों छात्र दुनिया में पढ़ रहे हैं, और वो वहां के जो वरिष्ठतम लोग हैं वो भी आप सीबीएसई बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। का मतलब सीबीएसई ने अपना स्थान बनाया है, और ये स्थान सीबीएसई बोलता हूं तो ये जो पूरा परिवार है आपका यही सीबीएसई है। जिन जिनके मन के अंदर ये विचार आए और जो अपने उस विचार को उसी मत तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं, जुनून के साथ, वजन के साथ और एक मिशन में तब्दील करके काम करते हैं, तो मुझे लगता है आपका बहुत अच्छा है। कला के माध्यम से आप करना चाहते हैं, मन में सचेत रूप में समावेशी शिक्षा का सेतु निर्माण की दिशा में कदम बिल्कुल सही है। जो मन, यदि देखिए मन की जीते जीते है मन के हारे हार, मन ही सब कुछ है, मन नियंता है व्यक्ति का, किसी का भी, आप हो चाहे मैं हूं चाहे बच्चा है, वो मन क्या चाहता है। अभी अटल जी कभी कहते थे छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता।
जिसका टूटा हुआ मन है वो कहाँ खड़ा होना है, कमजोर मन का आदमी कहाँ खड़ा होता है। और जो छोटे मन का होगा, छोटी छोटी बातों में उलझा रहता होगा, बड़ा विजन ही नहीं जिसके पास, वो बड़ा कैसे हो सकता है। बड़ा तो वो होगा जिसको बड़ा विजन होगा। उस बड़े विजन के लिए फिर बड़ा त्याग चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, बड़े परिश्रम चाहिए, बड़ी निष्ठा चाहिए, बड़ी दृढ़ता चाहिए, हर चीज बड़ी चाहिए, तो आदमी बड़ा बनेगा। उस आदमी को उस विशाल बनाने के लिए उसके मन के अंदर उस सीमा तक का सोच डालनी पड़ेगी, उसके सपनों को बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे सपने कलाम साहब कहते थे, मैंने उन पर भी एक पुस्तक लिखी, मुझे अच्छा लगा उनका, तो उन्हीं के विषय को उठा करके मैंने काफी साल पहले सपने जो सोने न दें ऐसी पुस्तक लिखी थी, बहुत चर्चित हुई, कई भाषाओं में वो अनुवादित हुई है। सपने जो सोने न दें, सपने बुनो चुनो। जो आदमी सपने भी अच्छे नहीं देख सकता वो क्या कर सकता है, अच्छे सपने देखने हैं, लेकिन सपने वो करने हैं, जब तक वो साकार नहीं हो जाते तब तक आप जीवन और मरण के सवालों से होकर के गुजरेंगे, तो जाकर के वो सपने साकार होंगे। सपने जो सोने के लिए सपने नहीं हो सकते, जो सोने न दें, चैन से न बैठने दें वो सपने, ऐसे सपने हों जो जब तक कि आप उसको धरती पर क्रियान्वित नहीं कर देते तब तक वो चैन से न बैठने दें, ऐसे सपनों की जरूरत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले हम लोग बड़े सपने देखेंगे, तो जाकर के उसको जो मेरे साथ है, जो मेरे से होकर के गुजर रहा है, उसको फिर कुछ देने की अभिप्सा होगी। जो आदमी की जो अपनी सामर्थ्य है तभी तो दूसरे को देगा। अपने आप यदि हम खोखले होंगे तो हम दूसरे को कुछ दे नहीं सकते। पहली जरूरत हमको समर्थ होने की जरूरत है, और मुझे भरोसा है कि आप सक्षम है, समर्थ हैं। जो परिस्थितियां परिवेश बन रहा है वो और ताकत देगा आपको। मेरा जो भारत है वो भारत की ओर सारी दुनिया की दृष्टि लगी हुई है, क्योंकि हमें अपना विजन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र नकल करके नंबर एक नहीं हो सकता। दूसरों से उधारी किया हुआ भी नंबर एक नहीं हो सकता। जो उसका अपना है उसी पर नंबर एक होगा, और हम रहे हैं नंबर एक, रहे हैं पूरी दुनिया में। हमने दुनिया को सब कुछ दिया है, हम विश्व गुरु रहे हैं, पर आज भी हमें सामर्थ्य है, और इसलिए ये शिक्षा नीति उसी सामर्थ्य को विकसित करने की दिशा में ठोस पहल है। ये उस भारत के निर्माण की पहली आधारशिला है, और जो आपसे होकर के गुजरती है। तो मुझे जो कौशल की आपने बात की है, शिक्षा के क्षेत्र में मस्तिष्क के साथ साथ मन और हृदय की आपने बात की है। हमारा देश का तो विजन भी अद्भुत है। आज पूरी दुनिया में गीता को लोग स्वीकार करते हैं, पूरी दुनिया में। अब गीता का विजन आप देखेंगे तो आदमी का संपूर्ण चिंतन है उसमें। गीता में एक और कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करो ना, फल की इच्छा करके फल अपने आप मिलता है, करते चले जाओ। आपको जो सामने टारगेट है कुछ करो, एक एक मिनट को जो है खो मत। और दूसरी ओर वो कहते हैं, वो आसान से जीर्णानि यथा व्याया, ये जो शरीर है इससे ज्यादा मोह मत करो, ये तो आपका माध्यम है, ये जैसे ये जो इसके अंदर आत्मा है वो असली है, उससे पूछ करके काम करो। शरीर के लिए ना हमको झूठ बोलना है और ना शरीर के लिए कुछ गलत करना है, क्योंकि ये आपका नहीं है, ये कभी भी आपको छोड़ देगा। वासान से जीर्णानि यथा व्याया, जिस तरीके से पुराने कपड़े को आप हटा करके नए कपड़े को पहनते हैं, या कभी कपड़े पर फट जाता है, यदि नया भी हो और पूरी फट गया तो भी आप उसको बदल देते हैं, ऐसी ये आत्मा है, ये मरती नहीं है, ये तो अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसकी आप चिंता मत करो, आप हमेशा जिंदा रहोगे, जिंदा आपके अंदर है। वो जिंदा रहने पर आपने क्या छोड़ के गया है? विवेकानंद 40 वर्ष की आयु में तो खत्म हो गए थे, हमारे बीच से चले गए, लेकिन हजारों वर्षों तक विवेकानंद जिंदा रहेंगे। जो उनकी जो आत्मा है, जो उससे निकले हुए शब्द हैं, जो दिशा है, जो दर्शन है, जो उन्होंने हमको छोड़ करके दिया, वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे, विचार ही जिंदा रहते हैं। और इसलिए जो हमारी ये चीजें हैं हमारी, उसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। कुछ तथाकथित लोग हो सकते हैं जो उसमें, लेकिन जब वो तर्क कुतर्क करने के बाद उनको अंततोगत्वा महसूस होता है कि जो भारत का दर्शन है, जो भारत की संस्कृति है, उसका वो पूरी दुनिया के लिए।
एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक धर्म विशेष के लिए नहीं, वो भारत की संस्कृति मानवता के लिए है, जिसने भी जन्म दिया प्राणी मात्र के लिए है। और इसलिए ये जो शिक्षा का उदय इन संस्कारों के साथ हम करेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस अवसर पर जो विनीता गर्ग हैं, जिन्होंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कई चीजें, वीडियो, ब्लॉग, ऐप, कई इंटरैक्टिव सामग्री, सिखाने वाली चीजें, कंटेंट तैयार किया, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष जरूरतों वाले छात्रों को भी मुझे बताया गया, ऑडियो विजुअल पुस्तकें भी आपने तैयार की हैं, मैं विशेष आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एप्स और टीचिंग एड्स के बहुत बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं। और मंजू, सुश्री मंजू बाला सुब्रमण्यम जो प्रिंसिपल हैं बेंगलोर नॉर्थ की, उन्होंने भी दिव्यांग बच्चों के लिए मैंने कुछ डिटेल मंगाई थी, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इस तरीके से कर रहे होंगे। और जिनका मैंने नाम लिया है इनका तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं मनोज से कहूँगा, अनीता से कहूँगा कि ऐसे तमाम उन अध्यापक और प्रिंसिपल्स की भी सूची जरूर मेरे तक पहुँचनी चाहिए, जिनके मन में ऐसी छटपटाहट है, जो बहुत लंबे समय से इस मन से काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ यंग इंडिया को, आपको तो मालूम है कि आगे जो भारत है वो 25 और 30 वर्षों तक पूरी दुनिया में यंग इंडिया रहने वाला है, और उस यंग इंडिया के लिए आप पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, इसको मुझे खुशी है। हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर हमारे बीच आते हैं, आपको याद होगा पीछे के समय में ध्रुव तारा, जिसको हमने वहां से 60 बच्चों के जो कला विज्ञान और गणित क्षेत्र के हमारे बिल्कुल चुनिंदे पूरे देश से छात्र छात्राएं थी, आपके सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे छात्र छात्राएं उसमें थे, जो 14 दिन की शुरुआत हमने इसरो से किया था, और उपराष्ट्रपति जी ने उसका यहाँ दिल्ली में समापन किया था। प्रधानमंत्री जी लगातार हैकाथॉन की दृष्टि से भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पीछे के समय में नई शिक्षा नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे खुशी है कि जो विजन वो देते हैं उसको हम क्रियान्वित करते हैं। पीछे के समय देखेंगे तो आपने प्रकृति से जुड़े वृक्षारोपण के अभियान लिया, एक छात्र एक वृक्ष का अभियान लिया, बल्कि अब आगे आपने ये तय किया है कि कोई भी छात्र जिसका जन्मदिन होता है उस दिन एक वृक्षारोपण, एक वृक्ष का रोपण करे, और उसको वो अपने कैमरे से, अपने मोबाइल से वो फोटो करके उसको आपके विद्यालय में करे, और वो यहाँ सीबीएसई के भी एक हो केंद्र हो, जब उसका दूसरा जन्मदिन आ रहा हो तो उस पीछे के पेड़ की उसने सुरक्षा की या नहीं की, इन दोनों का वो फोटो करके, और फिर वो कहे कि ये पीछे का पेड़ मेरा बढ़ रहा है, मैं एक अपने दूसरे जन्मदिन पर दूसरा पेड़ लगाना चाहता हूँ। देखिए कितना परिवर्तन होगा, अध्यापक करेंगे, उनके अभिभावक करेंगे, तो चेंज होगा। और मुझे खुशी है कि उस अभियान को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था, जल संरक्षण के अभियान को हम लगातार आपके बच्चे कर रहे हैं, फिट इंडिया का अभियान, 11 करोड़ बच्चे जुड़े थे उस दिन प्रधानमंत्री जी के साथ, योगा का अभियान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभी चर्चा आप कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक तमाम अभियानों के साथ ये बच्चे जुड़े हैं, और मुझे खुशी है कला के क्षेत्र में जुड़े हैं। इस बीच मैंने बहुत सारे बच्चों से सीधा संवाद भी करने की कोशिश की कि इस कोविड के समय वो क्या क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, अद्भुत काम कर रहे हैं बच्चे, अद्भुत काम कर रहे हैं, वो अपने नाना नानी की कहानियों को भी लिख रहे हैं, दादा दादी की कहानियों को लिख रहे हैं। वो एक बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने मुझको जो है वो सिलाई कढ़ाई तक भी, ऐसा मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, मुझे खाना बनाना आ रहा है, और पूछे कि कहानियां यदि ये कोविड नहीं आता तो हमने दादा दादी नाना नानी से कहाँ से ऐसी कहानियों को हम सुनते। वो अपनी छोटी सी डायरी बना रहे हैं ताकि कोविड काल की वो स्मृतियां हमेशा वो अपने मन में रहे, ये जो उनको नॉलेज भी देगा और जो व्यस्त भी रखेगा, इसी की जरूरत है। हमारा बच्चा हमारे लिए हमारी थाती है, वो हमारे संपदा है, उसको किस तरीके से संजो करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी जरूरत है। आप लगातार आगे बढ़े, मुझे भरोसा है कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में अनीता जो हमारी
स्कूली शिक्षा के सचिव हैं। वो जब सीबीएसई की चेयरमैन थी और पीछे के समय में 1.5 साल से मैं लगातार, जब वो सचिव भी नहीं थी और वहां थी तो भी नई शिक्षा नीति से लगातार जुड़ी रही हैं। और आप बहुत सारे लोग नई शिक्षा नीति के निर्माण की दिशा में जरूर जुड़े होंगे। और मनोज जो अभी नए यहाँ पर आयुक्त तो आए हैं, जो चेयरमैन हैं सीबीएसई बोर्ड के, मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में सीबीएसई बोर्ड और ताकत के साथ उभर करके आगे आएगा। ये राष्ट्रोन्मुखी होगा, ये राष्ट्र और समाज को दोनों को दृष्टि में, देश वो देश जो विश्व गुरु बनना है, जिसको जिसको 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनना है, वो हमारे रास्ते से होकर, सीबीएसई बोर्ड के रास्ते से होकर के गुजरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जिन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और जिनके मन में ये छटपटाहट है उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। इसे मैं, जो आपने परिसर बनाए हैं, जब भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन परिसरों को, जब भी मैं देश के प्रवास पर जाऊं तब इन परिसरों का मैं दर्शन कर सकूं। कभी मैं मनोज को कहूंगा, अनीता को कहूंगा कि जितने भी ये 260-270 परिसर हैं प्रमुख, ये कभी इनके प्रमुखों से मैं सीधे सीधे संवाद करना चाहूंगा कि अंततोगत्वा और इनमें कौन सा परिसर सर्वश्रेष्ठ है और क्यों, और दूसरे परिसर किसी न किसी, ये 260 परिसर हैं वो अपनी कोई ना कोई ऐसी विशेषता लिए हुए हों जब देश के अन्य संस्थानों के लोग उसके दर्शन कर सकें, उनको हम बता सकें कि इस वजन के साथ हम इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बार फिर ये कह करके कि लहरों से घबरा कर कोई नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश ही है हमारी जो हमको उसके शिखर तक पहुंचाती है। मेरी एक बार फिर आपको शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार।